हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयंती ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, हाफ ईयरली रिवीजन। तो हाफ ईयरली रिवीजन के लिए अभी से प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे सितंबर स्टार्टिंग में, और सितंबर में अगर हाफ ईयरली होने हैं तो जुलाई ऑलमोस्ट अब आधा निकलने वाला है। तो ये समझ लीजिए बस डेढ़ महीना है, और डेढ़ महीना कम से कम चाहिए बच्चों को सारी रिविजन्स कराने के लिए। तो जिस तरह से मैं नर्सरी का शेयर कर रही हूँ उसी तरह से मैं बाकी क्लासेस का भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो हाफ ईयरली के रिवीजन जो है स्पेशली नर्सरी का, इसीलिए क्योंकि बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैं पहले नर्सरी का शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। तो हाफ ईयरली रिविजन कैसे करानी है इंग्लिश में, तो सबसे पहले ट्रेस द अल्फ़ाबेट्स। मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर नर्सरी में बच्चों को लोअर केस लिखना सिखाया है, इंट्रोड्यूस कराया है, तो वो वर्कशीट में ऐड करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। यहाँ पे मैंने अपर केस के अकॉर्डिंग बनाया है, एक दो क्वेश्चन मैंने लोअर केस के साथ दिए हैं। अगर आपके बच्चे को लोअर केस भी नर्सरी में सिखा दिए गए हैं तो जितने बिल्कुल जो जो मैंने वर्कशीट अपर केस के साथ बनाई है बिल्कुल वैसी सेम वर्कशीट आपको लोअर केस के साथ बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रेस द अल्फ़ाबेट्स। तो सबसे पहले बच्चों को आएगा अल्फ़ाबेट्स ट्रेस करना, इनके ऊपर बिल्कुल उन्हें पेंसिल चलानी है। तो पहला क्वेश्चन में उनको सिर्फ ट्रेसिंग पे फोकस करना है, ट्रेसिंग करनी है। दूसरा है राइट द सेम लेटर्स इन द बॉक्स, जो सेम लेटर है वही लिखना है। थोड़े से लेटर आपको उस तरह के देने हैं कर्सिव में भी और इस तरह के क्वेश्चंस में भी जिनमें कर्व ज़्यादा हों, क्योंकि कर्व की प्रैक्टिस ज़्यादा करानी है हमें। बच्चे कर्व वाले अल्फ़ाबेट्स बनाने में थोड़ा सा डिले करते हैं, तो जो बिल्कुल सेम अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे लिखना है। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैच द सेम लेटर्स। अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस लिए हैं ये स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन वाले लिए हैं, और ये इसीलिए लिए हैं सो दैट बच्चे को थोड़ी सी कंफ्यूजन थोड़ी सी हो और वो एग्जैक्ट लेटर्स को मिलाने की कोशिश करे। बिल्कुल सीधा सीधा सेम टू सेम नहीं देना, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जो हाफ ईयरली में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़रूर बढ़ता है, तो जो सेम लेटर्स हैं उनको मैचिंग करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, सर सी द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट लेटर। ब बॉल, ब राइट डाउन ब, फ फिश राइट डाउन एफ। तो बच्चों को पिक्चर्स देख के उन्हें समझ के और यहाँ पे लेटर लिखना है, और सेम इसी तरह की प्रैक्टिस अगर बच्चे ने लोअर केस सीखे हैं तो, लोअर केस एक्चुअली हर स्कूल में नहीं सिखाए जाते, लेकिन अगर आपके बच्चे को सिखाए गए हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स और बना दीजिए और उसी के साथ में उनको लोअर केस लिखने को बोलिए। आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें मैं सिंपल कर रही हूँ, और इतना कलरफुल चाहे मत बनाइए, वर्कशीट सिंपल सी बना के दे दीजिए, बच्चों को थोड़ा सा ना कलरफुल पसंद होता है इसलिए। सर्कल द ऑड लेटर, मतलब जो लेटर एक जैसा नहीं है उसको सर्कल करना है। म म म मतलब एम एम एम, तो यहाँ पे एन जो है वो फालतू में बैठा है, इसको हटाना है। तो देखो जैसे मैंने अगर कर्व वाले दिए हैं तो मैंने यहाँ भी कर्व वाला ही दिया है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन है तो यहाँ पे भी मैंने इस तरह का लेटर दिया, बच्चे को थोड़ा सा ना फोकस करना पड़े। What comes after? अब बिल्कुल एक लेटर शुरू में मत देना, थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो रिदम बनी हुई होती है ना उनकी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इस तरह के उन्हें वर्कशीट्स देनी है। और ये जो मैंने वर्कशीट्स बनाई है आप ये समझ लीजिए अगर डेढ़ महीना बचा है हाफ ईयरली में तो एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले कराइए। एक दिन में एक क्वेश्चन ले लीजिए, उसके अलग अलग फॉर्म बना दीजिए, दूसरे दिन फिर दूसरी तरह का क्वेश्चन ले लीजिए, उसके अलग अलग फॉर्म बना दीजिए, इतना सारा एक साथ मत दीजिएगा। उसके बाद है मैच अपर केस एंड लोअर केस। मैंने यहाँ पे बस एक क्वेश्चन दिया है अपर केस और लोअर केस का, अगर बच्चों को कराया गया है स्कूल में तो आप उनको कंटिन्यू ज़रूर कराइए। जहाँ पे बी दें वहाँ पे डी ज़रूर दें, क्योंकि यही सबसे मेन प्रैक्टिस होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बी और डी में।
उसके बाद है राइट द मिसिंग अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ। ओके, उसके बाद हम आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स के लिए हाफ ईयरली रिवीजन, ट्रेस द नंबर्स। सबसे पहले नंबर्स को ट्रेस करना है। काफ़ी कुछ सिमिलर मिलेगा आपको जो इंग्लिश की वर्कशीट थी और इसमें। सो ट्रेस अ नंबर, नंबर को ट्रेसिंग करनी है। सेकेंड क्वेश्चन में राइट द गिवन नंबर इन द बॉक्स। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा है सेम उसी नंबर को, देखिए पहले ट्रेसिंग से लिखवा रहे हैं, अभी विदाउट ट्रेसिंग चलेगा, तो हमें भी पता चल जाता है कि बच्चे को कितना आ गया है और बच्चे के साथ कितने एफर्ट्स करने हैं। और ये प्रैक्टिस जब घर पे कराएंगे ना, तो ये दोनों साथ साथ दीजिएगा क्वेश्चन। जब भी ट्रेसिंग दें उसके साथ में इस तरह का क्वेश्चन भी दें। उसके बाद है मैच द सेम नंबर। सेम नंबर्स को मैच करना है, तो इससे ना हमें ये पता चलता है कि बच्चे को नंबर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं या नहीं, और दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि बच्चे का फोकस है या नहीं। काउंट एंड राइट, तो बच्चों को यहाँ पे काउंटिंग सिखानी है, 1 2 3। तो काउंट एंड राइट बच्चे बहुत फन से करते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है करने में, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद है राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर्स को लिखना है, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हीं में आप चेंजेस करते रहिए और इस तरह की वर्कशीट बना के उनको देते रहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ मत दीजिएगा, बच्चों को एक एक क्वेश्चन की पर डे प्रैक्टिस कराएंगे, और जब बिल्कुल लास्ट के 15 डेज बचेंगे ना एग्ज़ाम्स में, तब आप उनको वर्कशीट बना के दीजिएगा। इसलिए मैं आज से ही इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को इसी पैटर्न से बना के दे सकें। काउंट एंड सर्कल, 1 2 3, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसको सर्कल करेंगे, एक ये प्रैक्टिस है। ओके, उसके बाद है हिंदी। हिंदी का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो बच्चों को बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, लिखने बड़े मुश्किल, तो हिंदी थोड़ा सा टाइम लेता है, LKG तक चलता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा इसमें। वर्णों को लिखो, ट्रेसिंग करनी है, सबसे पहला काम तो ट्रेसिंग है। उसके बाद है चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला लगाओ। तो जैसे अ से अनार है, तो जहाँ भी आप अ देंगे वहाँ पर आ ज़रूर दीजिएगा, तो अ से अनार, ये है छोटी सी इमली। आप कलर करने को भी दे सकते हैं साथ साथ, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा फन भी हो जाता है। उसके बाद है एक जैसे वर्णों को मिलाओ। तो एक जैसे वर्ण मिलाने हैं, जैसे बड़ी ई से बड़ी ई मिलानी है, बड़े ऊ से बड़ा ओ, छोटी ई से छोटी ई। उसके बाद है चित्र पहचान कर वर्ण लिखो। तो चित्र पहचानना है, अगर बच्चों को थोड़ा बहुत लिखना आता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर कराइए। जैसे बड़े आ से आम, अ से अनार। ओके, तो आई होप आपके लिए ये थोड़ी सी हेल्पफुल रहे वर्कशीट जो मैंने यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि बच्चों को अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी वो कवर कर लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया था मैथ्स का, राइट द काउंटिंग 1 to 10, और 1 से 10 तक की काउंटिंग अगर उन्हें लिखनी आती है तो ज़रूर उनको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दीजिए। इन वर्कशीट्स के साथ अगर कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉर्ट करने की। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।